फ्रेंड्स, एयरलाइंस की आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज की इन बड़ी खबरों में हम आपको बताने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से कई जरूरी खबरें जो कि आपके ट्रैवल से रिलेटेड है। यहां पर भारत सरकार ने नए नियम जारी किए हैं जिसके बारे में हम आगे आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पर कौन कौन से देशों से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू हो रही है उसकी भी जानकारी आगे आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पर भारतीय एयरलाइंस कंपनियों से कई जरूरी खबरें निकल कर आ रही है। ये सारी खबरें आपको एक एक करके इस वीडियो में जानने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स, इस वक्त की पहली बड़ी खबर आ रही है यहाँ पर इंडिगो से। भारत ने जैसे ही यहाँ पर ये स्पष्ट किया है कि अब भारत सभी तरह के वीजा होल्डर्स को भारत में आने की परमिशन देगा और भारत से भी दूसरे देशों में जाने की इजाजत देगा, तो इसके बाद यहाँ पर इंडिगो के शेयर में 10% की उछाल देखने को मिली। इंडिगो जो कि भारत की सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी है, उसका एक शेयर का प्राइस 950 रुपये से बढ़कर 1034 पर जा पहुँचा है। अगली बड़ी जानकारी आ रही है यहाँ पर कुवैत से। कुवैत में जो लोग भी फंसे हुए हैं और जिनको भी भारत आने का इंतजार है, अब उनका ये इंतजार धीरे धीरे ख़त्म हो गया है क्योंकि यहाँ पर भारतीय एयरलाइंस कंपनियों ने कुवैत से अपनी उड़ानों की शुरुआत कर दी है, जिसकी जानकारी अभी एम्बेसी के माध्यम से आ रही है। एम्बेसी ने यहाँ पर इंडिगो एयर इंडिया की नई फ्लाइटों की लिस्ट जारी कर दी है जो कि आने वाले समय में भारत के लिए आने वाली है। इन फ्लाइटों की लिस्ट आपको स्क्रीन के सामने दिख रही होगी। अगली जानकारी लेते हैं यहाँ पर PCR टेस्ट को लेकर। यदि आप आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के माध्यम से दूसरे देशों में जाना चाहते हैं तो यहाँ पर PCR टेस्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी हो चुका है जो कि अब एयरलाइंस कंपनियां भी मांगने लगी हैं। गल्फ न्यूज़ की एक रिपोर्ट के अनुसार अब PCR टेस्ट यहाँ पर एतिहाद एयरलाइंस कंपनियां भी मांगने लगी है। यदि आप एतिहाद एयरवेज से आबू धाबी जाने की सोच रहे हैं या फिर आबू धाबी से किसी दूसरे डेस्टिनेशन पर जाने वाले हैं तो PCR टेस्ट कराकर ही ट्रैवल करें। अगली बड़ी खबर आ रही है यहाँ पर वीज़ा को लेकर। यहाँ पर भारत वीज़ा को लेकर छूट देने की तैयारी कर रहा है। यदि आप भारत आना चाहते हैं या फिर भारत से दूसरे देशों में जाना चाहते हैं तो अब यहाँ पर वीज़ा को लेकर पहले जैसे रिस्ट्रिक्शन को कम किया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत ने जिन देशों के साथ भी एयर बबल्स के तहत एग्रीमेंट किया हुआ है उन सभी देशों में अब आप यात्रा कर सकते हैं और यहाँ तक कि उन देशों से नागरिक भी भारत में यात्रा कर सकते हैं। इससे पहले केवल रेजिडेंट को ही आने की परमिशन थी, लेकिन अब यहाँ पर किसी भी तरीके के वीज़ा होल्डर भारत में आ सकते हैं या फिर भारत से दूसरे देश में जा सकते हैं। अगली बड़ी खबर आ रही है यहाँ पर बैगेज अलाउंस को लेकर। एयर इंडिया ने ये जानकारी दी है कि पैसेंजर अपने साथ केवल 7 किलो का ही हैंड बैग लेकर ट्रैवल कर सकते हैं। इसके अलावा 23 किलो का चेकिंग बैग लेकर भी ट्रैवल कर सकते हैं। ये लिमिट इकोनॉमी क्लास के लिए है। इसके अलावा बिजनेस क्लास के लिए 35 किलो का लिमिट है। अगली बड़ी खबर आ रही है यहाँ पर ब्रिटिश एयरवेज से। एक खबर के अनुसार ब्रिटिश एयरवेज अगले सप्ताह से भारत के लिए अपनी उड़ानों को शुरू करने वाला है। भारत में ब्रिटिश एयरवेज 2 शहरों को जोड़ेगा, एक दिल्ली और दूसरा मुंबई। इसके अलावा ब्रिटिश एयरवेज सप्ताह में 5 दिन अपनी उड़ानें रखने वाला है। आपको बताना चाहेंगे कि ब्रिटिश एयरवेज की नई उड़ान एयर बबल्स एग्रीमेंट के तहत ही रहने वाली है। अगली बड़ी खबर आ रही है यहाँ पर एयर इंडिया से। एयर इंडिया ने यहाँ पर एक बड़ी अनाउंसमेंट ये कर दी है कि अब वह यहाँ पर सप्ताह के 7ों दिन लंदन के लिए अपनी फ्लाइटों को शुरू कर रही है। एयर इंडिया की ये सभी फ्लाइटें देश के बड़े एयरपोर्ट जैसे कि दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु से रहने वाली है। इन सभी फ्लाइटों की टिकट की बुकिंग आप सीधे एयर इंडिया की वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर भी एयर इंडिया से ही आ रही है। एयर इंडिया ने यहाँ पर यह स्पष्ट किया है कि वह USA के 5 शहरों के लिए दिल्ली और मुंबई से अपनी उड़ानों को शुरू कर रहा है। USA के इन 5 शहरों में वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को और शिकागो शामिल हैं। आप एयर इंडिया की इन फ्लाइटों की टिकट की बुकिंग भी सीधे एयर इंडिया की वेबसाइट से कर सकते हैं। यदि किसी कारणवश आपको फ्लाइट की टिकट नहीं मिल पा रही है तो आप एयर इंडिया के कॉल सेंटर से या फिर एयर इंडिया की बुकिंग ऑफिस से भी संपर्क करके अपनी टिकट की बुकिंग करा सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो खत्म करने से पहले एक जरूरी सूचना। भारत ने यहाँ पर इस समय एयर बबल्स का एग्रीमेंट USA, UK, जर्मनी, फ्रांस, UAE, कनाडा जैसे देशों के साथ कर रखा है और इन सभी देशों में ट्रैवल करने वालों के लिए यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से नए नियम भी जारी किए गए हैं। इस नए नियम का लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देंगे जहाँ पर आप क्लिक करके ये सारे नियम को एक बार डिटेल में पढ़ सकते हैं।
फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी और न्यूज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए रोज़ाना ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहते हैं।